ये एक्सपेंशन मॉडल है, ये CRX मॉडल है, CRX मॉडल है, CRX चार CRX मॉडल लगाते हैं, लाइक एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर और एडमिक्चर. एडमिक्चर ठीक है. MCB है सिंगल पोल, सिंगल फेस रिले है, रिले थर्मोस्टेट रिले, SMPS, हुटर PCB, ये हरन के लिए होता है. अच्छा, PCB हुटर के लिए. ये सिंगल पोल का रिले है सेपरेट के लिए, जैसे हमारा एग्रीगेट का हो गया, ये भी रिले ही है, एक रिले में बोलते हैं, ये भी सिंगल पोल रिले है, ट्रांसफार्मर है, MCB है मोटरों के लिए, मोटर का 3-phase कनेक्शन प्लस इसकी फीडबैक के लिए 24 वोल्ट इसमें रहते हैं. ये कंटेक्टर हो गया, ये कंटेक्टर हमारा इसकी बॉकेट का हो गया. ये छोटा छोटे कंटेक्टर छोटे छोटे मोटरों के लिए होते हैं, लाइक एग्रीगेट, सॉरी सीमेंट, वाटर, वाइब्रेटर. ये हमारा सीमेंट स्क्रू का मोटर है, मिक्सर का है, ब्रेक रेक्टिफायर है, MCC भी है. इसके अंदर हमारा सेफ्टी परपोज के लिए एक UV कॉयल लगे रहते हैं. ये CT1 का एम्पियर मीटर है, और क्या है, ये हमारा एम्पियर्स मीटर है. कंट्रोल पैनल के लिए एक इमरजेंसी की लगा हुआ है, इमरजेंसी हम इसको क्लोज कर देंगे तो हमारे पूरे पैनल शट ऑफ हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे. ये है. उसके बाद जस्ट ये PLC से हमारे जो सप्लाई आ रहे हैं, ये हमारा HMI है, ये इधर आ रहा है, ये येलो वायर, ये HMI है, और एक ये हमारा HMI टच पैनल है. इसके थ्रू हम लोग यहाँ से भी प्लांट चला सकते हैं. ये हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से भी चला सकते हैं. और ये सॉफ्टवेयर के लिए ये मैनुअली है, इससे भी ऑटो में चला सकते हैं, बट प्रिंट नहीं निकलेगा. इससे चलाएंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रिंट पूरे निकलेंगे. तो सॉफ्टवेयर है, इससे हम कैलिब्रेट, ये भी ये PLC से जुड़ा हुआ है, वो ऑनलाइन केबल है. और इसके थ्रू एक प्रिंटर है, जो भी हम लोड करते हैं वो हमारा प्रिंटर निकल के आएंगे. ठीक है, ये सीइंग स्ट्रक्चर का प्लांट है. ठीक है, ओके ओके.